सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नजर मार लेने हैं सुर्खियां दी वल। रेल हादसे च मृतकों की गिनती च लगातार वाधा, जख्मियों को हस्पताल च करवाया गया भर्ती। उड़ीसा सरकार ने एक दिन के सोग का किया ऐलान। उड़ीसा रेल हादसे कारण सोग च डुबिया देश, वख-वख सियासी आगुआं वल्लों दुख का प्रगटावा। पंजाब कांग्रेस च मचे घमसान, राजा वड़िंग ते जाखड़ च तकरार। हरियाणा के पहलवानों के हक च खड़े ना होने लैके किते सवाल। हुण खबरां विस्थार दे नाल। इसे साल मार्च महीने के अध च कनेडा तो एक वड्डी खबर सामने आई सी। कनेडियन बार्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने 700 तो वध भारतीय विद्यार्थियों रिपोर्ट करन दा नोटिस जारी किया। विद्यक अदारियां च दाखले संबंधी ऑफर लैटर फर्जी पाए गए सन। हुण यह मामला दिनों दिन होर भखदा जा रहा है, जिसनों वेखदियां गायक एली मांगड़ ते शहरी मान इन्हां दे हक विच अगे आए ने। गायक शहरी मान ते एली मांगड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी ते कुछ वीडियो सांझे कीतियां ने, जिन्हां च उह सड़क ते धरना ला के बैठे नजर आ रहे ने। दस दिए कि 2018 तो 2022 दरमियान जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट ने करीब 700 भारतीय विद्यार्थियों को कनेडा के एक प्राइवेट कॉलेज के ऑफर लैटर दवा के उन्होंने कनेडा के वीजे लगवा दिए, जिस कारण उक्त ट्रैवल कारोबारी ने हरेक विद्यार्थी तो लखां रुपये वसूल किए। चार साल दौरान हुए इस फर्जीवाड़े में सारे विद्यार्थी कनेडा पहुंच गए। उड़ीसा के बालासोर के बहानागा च वापरे रेल हादसे च मरण वालों की गिनती वधदी जा रही है, जो कि 300 तो पार हो गई है। उड़ीसा के मुख सकत्र पीके जैन ने यह जानकारी दी है। एक ट्वीट च मुख सकत्र ने कहा कि बालासोर रेल हादसे च मरण वालों की गिनती 300 हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 900 तो वध यात्रियों को बचाया गया है, वख-वख हस्पतालों च दाखिल करवाया गया है। इस दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन लई सोग का ऐलान किया है। पूरे दिन विच कोई भी राज समारोह नहीं होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवेरे हादसे वाली थान पर पहुंचे तो स्थिति का जायजा लिया। रेलवे की तकनीकी टीम ने हादसे वाली थान का हवाई सर्वेखण किया। इस दौरान रेल मंत्री ने पहला ही हादसे की उच्च पदरी जांच के हुक्म जारी किए। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रैस के कई डब्बे बहानागा बाजार च पटड़ी तो उतर गए तो दूजी पटड़ी से जा डिगे। डब्बे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रैस नाल टकरा गए तो इसके डब्बे भी पलट गए। कोरोमंडल एक्सप्रैस के डब्बे पटड़ी तो उतरन तो बाद एक मालगड्डी नाल टकराए, जिस नाल वह भी हादसे की लपेट में आ गई। हादसे में हुण तक 300 तो वध मौतों की पुष्टि हो चुकी, जदों कि 1000 के करीब लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। इस घटना तो बाद जिथे सारे देश में सोग की लहर है, उत्थे ही वख-वख सियासी आगुआं वल्लों दुख का प्रगटावा किया गया। जलंधर च कांग्रेसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू ते श्रोमणी अकाली दल दे आगू बिक्रम सिंह मजीठिया वालों जफ्फी पाउण दी वीडियो खूब वायरल हो रही है। इस जफ्फी नूं लैके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, पर इस दरमियान कांग्रेस के अंदर नवा विवाद शुरू हो गया है। विवाद कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ते साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू विचाले नहीं, सगो राजा वड़िंग ते बोहर तो कांग्रेसी आगू संदीप जाखड़ विचाले शुरू होया। संदीप जाखड़ पंजाब च साबका कांग्रेस प्रधान रहे ने ते सुनील जाखड़ हुण भाजपा विच ने ते उन्हां ने राजा वड़िंग दे एक ट्वीट लेके पलटवार किया। दरअसल राजा वड़िंग ने सुनील जाखड़ नूं एक ट्वीट किया सी, जिस उन्हां ने हरियाणा के पहलवानों के हक में खड़े ना होने नूं लेके सुनील जाखड़ से सवाल चुके सन। सुनील जाखड़ नूं असली चौधरी दसदे हुए लिखा सी कि जिस तरह वह कांग्रेस खिलाफ भड़ास कढ़ रहे हैं, उसी तरह उन्होंने हरियाणा च प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के हक में खड़ना चाहिए।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र खाप महापंचायत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सबका प्रधान से भारतीय जनता पार्टी के संसद मैंबर ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। सरकार ने इस कार्रवाई लिए 9 जून तक का समा दिता है। उन्होंने कहा कि जेकर मांग पूरी ना हुई तो किसान 9 जून को प्रदर्शनकारी पहलवानों लैके जंतर मंत्र जाके प्रदर्शनकारी पहलवानों ने नवे संसद भवन के उद्घाटन के दिन उत्थे मार्च करने की कोशिश की, जिस तो बाद उन्हां दी पुलिस नाल झड़प हुई सी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी पहलवानां नूं हिरासत विच लिया सी ते जंतर मंतर तो उन्हां दा समान हटा दिता सी। इस तो बाद पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ते बजरंग पुनिया दे नाल नाल होर प्रदर्शनकारियां विरुद्ध FIR दर्ज की गई सी। पहलवानां दे कथित जिनसी शोषण के मुद्दे नाल संबंधित अंदोलन भी चुके जाण वाले अगले कदमां ते विचार चर्चा करन लई इत्थे खाप महापंचायत की मीटिंग हुई। भारत पाकिस्तान देशों दरमियान हुए समझौतों तहत गुआंढ़ी देश पाकिस्तान ने अपनी जेलों में पिछले लंबे समय तो बंद सजावं पूरी कर चुके 203 भारतीय कैदी मछेरियां वाघा अटारी सरहद राही वतन वापस रिहा किया। देर रात वतन परतन लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, सकत्र प्रताप सिंह, मैनेजर सतनाम सिंह सराय, सुपरडेंट श्रोमणी कमेटी रजिंदर सिंह रूबी अटारी के उचेचे यत्ना सदका पिछले 2 दिन तो भुख की मार झलते आ रहे भारतीय मछेरियां लई अटारी सरहद विखे लंगर प्रशादे का प्रबंध किया गया। इस मौके अटारी के नैब तहसीलदार ते होर जिला प्रशासन के अधिकारियों वालों श्रोमणी कमेटी का देर रात लंगर प्रशादा अटारी सरहद से लियाउण लई धन्नवाद किया गया। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने गुरदासपुर के पिंड विठवां की 4 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क का नींह पत्थर रखा। इस मौके हलका विधायक एडवोकेट अमरपाल सिंह किशन कोट भी मौजूद सन। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार वालों सूबे अंदर लोगों को आवाजाई दीआं बेहतर सहूलतां देने दे मंतव नाल नवीं सड़कां दी उसारी ते नवीनीकरण का काम तेजी नाल चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की अगवाई विच पंजाब सरकार ने महज 14 महीनों के कार्यकाल दौरान लोक हित विच वड्डे इतिहासिक फैसले लेने। उन्होंने दस्सिया कि सूबे अंदर सेहत सहूलतां देने दे मंतव नाल 500 तो ज्यादा आम आदमी क्लीनिक खोले गए, 600 यूनिट बिजली, 29,000 तो वध नौकरियां समेत वख-वख वड्डे लोकपक्षी फैसले ले गए। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार हरेक वर्ग की भलाई लई वचनबद्ध है ते चौंबखी विकास कार्ज करन लई दृढ़ संकल्प है। असीं इत्थे इह जिहड़ी रोड आ पिंडा रोड़ी वाली जिहदी लगभग लेंथ जिहड़ी आ उह 5.5 किलोमीटर आ और बड़ी खस्ता दे विच इह रोड सीगी। इहनू असीं वाइडनिंग दा ते स्ट्रेंथनिंग दा दोवें काम कीते ने। 10 फुट सीगी पहिलां, 10 तों इहनू 18 फुट ही कीता और नाल इहदी स्ट्रेंथनिंग दा काम जिहड़ा आ उह चल रिहा है। सो साडे MLA साहब नूं काफ़ी फिक्र सीगा क्योंकि इह काफ़ी पिंडां नूं जिस तरह विठवा वरिया बहादुरपुर पिंडा रोड़ी एक रजुआ पिंड रजुआ इत इन पिंडा जोड़ा लिंक करती सी तो असी इनू लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत के नाल जोड़ा पूरा कर 5-6 महीने के कंप्लीट कर। बटाला ट्रैफिक पुलिस वालों मिशन ब्लू स्टार नूं लैके बटाला विच हर राहगीर नूं रोक के उसके कागजात चैक किए जा रहे सन ते जांच की जा रही सी। जद ही निहंग सिंघां दे मोटरसाइकिल नूं रोक के उन्हां दे कागजात चैक किए गए तो मौके ते ड्राइविंग लाइसेंस ना मिलन ते उन्हां दा चलान कटिया गया, जिस तों बाद बटाला दे गांधी चौंक विखे निहंग सिंघ वालों जाम ला के धरने की तैयारी करनी शुरू की। जिस तों बाद मौके ते पहुंची पुलिस ने निहंगां नूं समझाया ते धरने नूं खत्म कराया, पर लंबे समय तक चले इस विवाद विच आम जनता जरूर परेशान हुई जिन्हां दा कोई कसूर नहीं।
बहुचर्चित डॉक्टर डॉली हत्याकांड का दोषी अपने साथियों समेत नजायज असले समेत काबू किया गया। पुलिस ने पिस्तौल, देसी कट्टा ते 6 कारतूस बरामद किए ने। इन्हां विचों एक 2013 बहुचर्चित रहे गुरदासपुर के रहने वाले डॉक्टर डॉली हत्याकांड का मुख मुलजम है। अदालत वालों इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई सी। 9 साल जेल में कट्टन तो बाद साल को पहला जमानत से बाहर आए थे, जिसनों नजायज असले समेत साथियों समेत काबू किया। डीएसपी सिटी डॉक्टर रिपू तापन सिंह ने जानकारी देंदे दसिया कि इन्हों के खिलाफ थाना सिटी गुरदासपुर विच कतल, 2 नजायज असले ते कुल 4 मामले दर्ज ने। भारत पाकिस्तान सरहद ते पाकिस्तानी ड्रोन की दस्तक सुनाई दी थी, जिसनों देख के जवानों ने ड्रोन से गोलीबारी की, जिस दौरान जवानों ने ड्रोन राही सुट्टी गई 5 पैकेट हैरोइन बरामद की। जवानों ने ड्रोन से गोलीबारी की है, पर ड्रोन पाकिस्तान वाल जाने में सफल होया। फिलहाल फौज वालों सरहद ते तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घटना थाना लोपो के अधीन पैदे BSF की 22 बटालियन के BOP रामकोट विखे वापरी। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।